मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाणा है, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाणा, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकइए ते जाना है। किथे गई ढूंढा यार, दसो मैनू किथे गई ढूंढा, असी भी तुहानू ढूंढना आए सा नजरे, हमारी जिंदगी का मकसद भी तो उसकी तलाश ही थी नजरे, किथे गई ढूंढा, ढूंढा कोठी दी नजर हो गई, ढूंढा कार दी नजर हो गई, जो ढूंढना है सौ ढूंढ ही नहीं सके। फिर मेरे कीम साहब फरमाया करते थे, ढूंढन वालिया पा लिया है, ढूंढन वालिया पा लिया, चै ढूंढ जना दी पक्की है। जरूर बुल्ले शाह कहते हैं जी, सहीओ नी मैनू दियो नी वधाई, मैं साजन पायो नी, ढूंढन वालिया पा करो तलाश, उसको इसको करो तलाश, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयत जाना। बंदगी इधर जी, बंदगी इधर जी, बंदगी, और कितनी बंदगी, ये हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला आप हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं, खलीफा भी हैं, सिलसिला अली कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ो ना तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला के बाद आपका नाम आता है। फरमाते मैंने एक दफ़ा ना एक दीवाने शख्स को देखा कि बच्चे उसे ना पत्थर मार रहे थे, और दीवानियाँ पहनते पत्थर ही नहीं, ये आशकी कोई बच्चों का खेल नहीं है, हमने तो मजाक बना दिया ना आशकी, इधर बच्चों का खेल है, तो किसी किसी पे कर्म होता है इधर, जिसको सौदे पे फायज किया जाता है, जिसको ये तोहफा दिया जाता है, ये सबके नसीबों में नहीं होता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाँ जी, ये किसी किसी का ना खुलता है, सारे तो नहीं ना जुनैद हो जाते, सारे तो नहीं बायजीद होते, नेकियां कर दी भाई, किसी ने लिखा था ना, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जी अदर जी, ये वखरी दुनिया, ये वखरी दुनिया, ओखे पेंडे लमियां रावां इश्क दियां, ये वखरी दुनिया, ये वखरी दुनिया, ये किसी किसी का नाम खुलता है, ये किसी किसी के से आता है। और याद रखना अदर जी, ये मियां इश्क का दावा है, वो कहता है जिथे मैं रहांगा फिर मैं को दूजा रह नहीं जे देना है, उथे मैं ही रहांगा बस, ये दावा मियां इश्क का, वो कहता है जहां मैं रहूंगा दूसरा नहीं रहेगा कोई, मैं रहने नहीं दूंगा किसी को, ना पुत्र रहेगा ना ती रहेगी ना बीवी रहेगी ना मकान रहेगा ना दुकान रहेगी, जहां मैं आऊंगा फिर मेरा दावा है मैंने दूसरा नहीं रहने देना कोई, हाँ मैं ही रहूंगा बस। गुरु नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम साथ चले, मक्का से साथ चले थे, पहला दूसरा मस्जिद अक्सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सिदरतुल मुंतहा, एक जगह ऐसी आई जाके अर्ज करते हैं महबूब अब मैं नहीं आगे जा सकूंगा, फरमाया जिब्राइल क्यों, अर्ज की महबूब अगर बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ता हूं तो मेरे पर जल जाएंगे, वहां तजल्लियात का यह आलम था, अगर बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ूंगा पर जल जाएंगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वहां रह गए, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ, ये है मियां इश्क, फिर अब यहां सूफिया कहते हैं, वो कहते हैं वो थे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, अगर वहां होते ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला आशिकों के इमाम हैं जी, अगर वहां होते ना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, उन्हें पता क्या अर्ज करना था, महबूब भावे सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही जे, अल्लाह यार रसूल, हाँ भाई जिसको अपनी जान की फिक्र हुई वो कहां से आशिक हो गया, जिसको अपनी जान की फिक्र हुई वो कहां से आशिक हो गया जी, नहीं आशिक होता कोई,
आशिको तय हुआ है जिसको सिर्फ सही हो नहीं मैनु रांझा आखो हीर न सदो कोई, सही हो नहीं मैनु रांझा आखो हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। ये नहीं कही किसी को नहीं रह क्योंकि इश्क ते आतिश दुही बराबर ये आगे इधर बल्कि आग कुछ नहीं है इसके आगे, इश्क ते आतिश दुही बराबर। हजरत राबिया बसरी के लिए लिखा है कौन गई वो बातें उनते को गल करो कोठी दी उनते को गल करो आईफोन दी वो गल्लां कित्थे गईयां। हजरत राबिया बसरी लिखा है रात का वक्त था आपके घर से शोर बुलंद हुआ आए प्यास औरत रात थी रात का वक्त था लोगों ने समझा शायद हजरत राबिया बसरी को प्यास लगी और उनके घर में पानी कोई मोहब्बत थी ना सबको अल्लाह की वलिया थी वो सब ने अपने अपने घर से बर्तन उठाए और हजरत राबिया के लिए ना कुएं से पानी लेने भाग गए। वो सारे ना अपने अपने बर्तनों में हजरत राबिया के लिए पानी डाल के ला रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासेनीन में से थे जो राजदानों में से थे उन्होंने सबको खड़ा कर लिया पूछा कितने कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही है हाय प्यास शायद आपको प्यास लगी है और घर में पीने को पानी कोई नहीं औरत जात है रात का वक्त है बाहर नहीं निकल रही हम ये कुएं से पानी लेके जा रहे हैं हजरत राबिया के लिए आप रो पड़े। आपने फरमाया चले हो ये वो प्यास नहीं जड़ी इस पानी ना बुझ जाए ओदी दीद दी प्यास है ओदी दीद नहीं बुझेगी है इश्क ते आतिश दुए बराबर होवे इश्क दत्ता उथे खेरा आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर हाजा गुलाम फरीद खुद को सवाल करते हैं पूछते क्या है आतिश नू ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू खेड़ा। फिर खुद ही कहते हैं गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा है। बस दुआ किया करो अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। मैं जहाँ से शुरू हुआ अभी भी वहीं खड़ा हूँ पुत्र सी लड़न नहीं है बंदगी करना है बंदगी करिए बंदगी करिए बंदगी करिए बंदगी करिए जिथे गलती हो जाए वो कहंदा है माफी मंग मैं दे दे हो जाती पुत्र जो कहंदा है बस परदे ने दे परदे ही रहण दे गलती हो जाए माफी मांग लो लेकिन पुत्र जान के गलती ना करिए जान के भी हो जाए फिर भी मंग ली उधर आओ बंदगी करिए जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी।